नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सम्मानित साथियों। बेशक ठंड तो बहुत है और कोहरा भी है, लेकिन मुझे लगता है कितनी भी ठंड रहे लेकिन हमारे हौसलों से ज़्यादा नहीं। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं और हम संगठित हैं और जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने प्रण बनाया हुआ है, ठाना हुआ है, उसको हमें मुकाम तक ले जाना है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने इस बार ठान रखा है कि आर और पार की जंग है, साथियों इसमें आप सभी लोगों की सहभागिता बहुत ही अनिवार्य है। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, हम चाहें तो इस जंग को जीत सकते हैं, बशर्ते हमें जिस प्रकार की ये ठंड है और कोहरा है, लेकिन अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो ये हमें प्रभावित नहीं कर सकता। मैं भी आज भले ये 8 बज रहा है, अभी देख रहे हैं बहुत ठंड है और कोहरा भी बहुत है, लेकिन मैं वही लगभग 5:30 बजे का निकला हुआ हूँ। कुछ मेरा डेली रूटीन है और इसके अलावा कुछ जो है अदर एक्टिविटीज़ भी करता हूँ मॉर्निंग में, तो इस रिगार्डिंग तो ये रूटीन है। मेरा कहने का सिर्फ आशय यह है कि हमें लखनऊ पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध होना है, संकल्पित होना है और अपने आप को यह कह लें कि ये हमारे जीवन की आखिरी लड़ाई, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो फिर जिस प्रकार से हम सो रहे हैं तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मैं उन सभी महिला और हमारी बहनों से अपील करना चाहूँगा कि कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूचित किया कि सर कई लोग अनुदेशिकाएँ हैं और कुछ महिला बहनें हैं जो कि असमर्थता व्यक्त कर रही हैं, कई साथी भी हैं जो कि असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं जाने में, कई लोग स्वास्थ्य का कारण बता रहे हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या हो सकती है सभी के साथ और मेरे भी साथ हो सकती है, लेकिन अगर उन सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 100% उपस्थिति रहे, आपकी सहभागिता रहे। कोई भी ऐसी जंग नहीं है जो कि महिलाओं के बिना जीती जा सके, तो अगर आज हमें कोई जीत दिलाएगी तो आप लोगों की यूनिट, आप लोगों का सहयोग दिलाएगा, इसलिए आप लोगों का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी महिलाएं और बहनें नहीं जा पा रही हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अपने घर से अपने हस्बैंड को, भाई को या किसी को भी अपने प्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई में ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर आज आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया, पैर पीछे खींच लिया, तो हम पता नहीं कितने साल और पीछे चले जाएंगे। हमारा तो जैसे तैसे जीवन रहा, जैसे कि विक्रम जी कहते हैं, लेकिन हम अपनी जनरेशंस का, अपने बच्चों के लिए हमें ये करना है, इसलिए आप सभी लोगों को निकलना बहुत ज़रूरी है। और आप यदि वाकई अपने जीवन में कुछ नवीनता लाना चाहते हैं, अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं, तो आपको निकलना ही होगा, 100% निकलना होगा, ये सुनिश्चित कर लीजिए। आज मेरी आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, अपील है कि 100% आज छुट्टी अप्लाई होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की। और जो लोग नहीं जा रहे हैं, आप इस बात को बिल्कुल जो है दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए कि हम सब चिन्हित रहेंगे, सारे लोग जो है, जो भी लोग विद्यालय पहुंचेंगे कल और लखनऊ धरने में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर इस अपने जो है जीवन को महत्वपूर्ण न देकर इस नौकरी को और विद्यालय को महत्व दे रहे हैं आप अगर कल के दिन, तो मैं आपसे ज़्यादा अकर्मण्य व्यक्ति, आपसे ज़्यादा, अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति को, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपका प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति चाहिए लखनऊ की धरती में कल, इसलिए आप सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह मेरी आप लोगों से बेहद खास हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, अपील है विनम्रता पूर्वक, क्योंकि इस
समय के महत्व को समझने की जरूरत है, यह पीक टाइम है। और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी ये चीज है। अभी आप लोगों ने देखा कि हाल ही में जो है सरकार में हलचल हुई है कि संविदा कर्मचारियों का जो है दौरा मांगा गया है, और सरकार के एजेंडे में ये चीज होती है। सरकार चीजों को करती है लेकिन समयबद्ध तरीके से और समय को देखते हुए एक एजेंडे के रूप में वो करती है। लगभग सारे काम वो कर चुकी है। एक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण जो कि अन्य राज्यों में हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी दबाव है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है एक सकारात्मक पहलू में विचार हो सकता है। और अगर ऐसे में आप लोगों ने कड़ा प्रहार कर दिया, लोहा चूंकि गर्म है, और इसमें आप लोगों ने अपनी ताकत और अपनी एक जुटता लखनऊ की धरती में दिखा दी, तो निश्चित रूप से मंजिल मिलने में देर नहीं लगेगी मित्रों। इसलिए कोई भी साथी कल स्कूल नहीं जाएगा। खासकर बांदा जनपद के सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग विद्यालय गए तो वो रडार में रहेंगे। ये मान लीजिए आप जो वो रडार में नोट किए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, एक एक व्यक्ति का नाम नोट करके, फिर हम जो है अब कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि कल सभी व्यक्तियों का पहुंचना अनिवार्य है। अगर आप इसको महत्व नहीं दे रहे हैं और कल जो है इस नौकरी को महत्व दे रहे हैं और अपने जीवन और अपने बच्चों के जीवन को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा कर्मण्य व्यक्ति नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अनुदेशक शिक्षक, जय श्री राम।